अपने प्यार को पाने के लिए एक लड़की प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। ये स्टोरी हमारी 1600s में वेनिस की है, तो उसे कोर्टिजांस कहा जाता था। क्या अब वो अपना प्यार पा पाएगी? हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी 1998 की डेंजरस ब्यूटी ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। ये मूवी हमें उस वक्त की सिचुएशन को सोचने पर मजबूर करके जाती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और वेनिस के कनाल से कुछ कोर्टिजन जाते हुए हम देख सकते हैं। सारे लोग उनके लिए दीवाने थे। इस बारे में हमारे मेन कैरेक्टर वेरोनिका को पता चला, तो अपनी फ्रेंड के साथ इन्हें देखने के लिए वो चली जाती है। आज बहुत दिनों बाद वेरोनिका की जो फ्रेंड थी उसका ब्रदर फिर से टाउन में वापस आया था। उस ब्रदर का नाम था मार्को। मार्को अपनी सिस्टर से मिला और वहीं पर वेरोनिका को भी देख लेता है। उसे बचपन से जानता था, पर अब वो बड़ी हो चुकी थी तो उसकी ब्यूटी उसे बहुत अच्छी लगती है। एक दूसरे को ये दोनों बहुत अच्छे लगे थे। रात में वेरोनिका ने अपनी मदर से पूछा, ये शादी किस तरीके से होती है? मदर ने कहा कि एक तरीके का बार्गेन होता है। दो फैमिलीज एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, इस पर ये डिपेंड करता है। यहाँ पर एक तरीके से डाउरी के बारे में बात चल रही थी। वेरोनिका ने कहा कि अगर सच्चा प्यार हो तो इसमें इस तरीके की बार्गेन की क्या जरूरत है। वेरोनिका की मदर कहती कि इस तरीके से चीजें नहीं होती। वेरोनिका को हमेशा से पढ़ना अच्छा लगता था। मार्को से उसे प्यार हो गया, जिसके बारे में वो पोएट्री लिख रही थी। उसका ब्रदर ये देखकर उसे टीज करता है। यही जब वो पढ़ रहा था तभी नीचे मार्को पहुंच गया। उसके लिए वो गाना गाता है। ये देखकर उसके पीछे पीछे वो भी नीचे आ गए। मार्को ने उसे पोएट्री पढ़कर सुनाई, एक बुक उसे दी और कहा कि ये बुक तुम्हारे लिए है। जब मैंने इसे बाय किया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हारे लिए बाय कर रहा हूँ, पर ये हमेशा तुम्हारे लिए ही थी। उसे लगता है कि शायद वेरोनिका बहुत ही यंग है, इन दोनों में कुछ हो नहीं सकता, पर वेरोनिका उसे ही पागल समझती है। इसके बाद इन दोनों ने किस कर लिया। वेरोनिका रियलाइज करती है कि यह सब करना गलत है, पर ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए। एक रात मार्को की सिस्टर की वेडिंग की पार्टी चल रही थी। उसका मैरिज एक ओल्ड मैन से कर दिया गया था। वेरोनिका को यह बहुत गलत लगा, पर मार्को ने कहा कि उसकी पोस्ट बहुत ही बड़ी है, इस वजह से चल जाता है। मार्को के फादर वेरोनिका और मार्को को साथ देखते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि दोनों प्यार में है। वो मार्को के पास आए। उन्होंने कहा, तुम कभी भी उसके साथ शादी नहीं कर सकते, इस बात को ज्यादा मत पढ़ाओ। रात में जब ये दोनों एक साथ थे तो मार्को ने वेरोनिका को बता दिया कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। वेरोनिका पूछती है, तो फिर तुम मेरी लाइफ में आए ही क्यों? मार्को ने कहा, मैंने बहुत ट्राई किया था अपने आप को रोकने का, पर मैं रोक नहीं पाया। वेरोनिका कहती है, तो फिर हम एक साथ ही रहते, पर मार्को ये कर नहीं सकता था। मार्को कहता है कि मेरी एक ड्यूटी है जो मुझे निभानी पड़ेगी। वेरोनिका इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हो गए। रात में रो रही थी और उसकी मदर उसके पास आती है। उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। मदर कहती है, उसे पाने के लिए तुम उसे शादी करो, ये कंपलसरी नहीं है, तुम कोर्टिजान भी बन सकती हो। ये वेरोनिका को बहुत गलत लगा, पर मदर ने कहा कि मैं भी एक कोर्टिजान हुआ करती थी। तुम्हारे फादर ने हमारे सारे पैसे उड़ा दिए है। तुम्हारे ब्रदर को भी एक अच्छी जॉब लगनी चाहिए, इस वजह से तुम्हें अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें कोर्टिजान बनना पड़ेगा। उसने उसे समझाया कि कोर्टिजान को बहुत फ्रीडम होता है, लाइब्रेरी की एक्सेस भी तुम्हें मिलेगी जहां पर तुम सारी चीजें पढ़ पाओगी। उसकी मदर फिर वेरोनिका को ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है। आदमियों को किस तरीके से हिजाना है, उनकी ईगो को किस तरीके से पैम्पर करना है, ये सारी चीजें वेरोनिका सीख लेती है। मदर ने कहा कि हर एक आदमी को हैंडल करने का एक अलग वे होता है। इसके बाद वेरोनिका रेडी थी। एक अमीर आदमी के साथ आज रात वो पार्टी पर आती है। इसी पार्टी पर मार्को भी आया हुआ था। उसे जब वेरोनिका के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगा। वेरोनिका आज उसे बहुत ही गलत ट्रीट करती है। कहती है, जैसा तुमने मुझे ट्रीट किया था मैं तुम्हें वैसे ही कर रही हूँ। इन दोनों को बात करता देख वेरोनिका के पास वो अमीर आदमी आ गया, उसे उसके साथ लेकर जाता है। आज यहाँ इस पार्टी में पोएट्री चल रही थी। मार्को का फ्रेंड ये पोएट्री कर रहा था। मार्को सबसे कहता है कि वेरोनिका भी पोएट्री कर सकती है। फिर वेरोनिका और मार्को का फ्रेंड एक दूसरे के अगेंस्ट पोएट्री करते हैं। ये सेशन सबको बहुत अच्छा लगा था। रात में वेरोनिका और वो आदमी दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह आने पर वेरोनिका की मदर उसके पास आती है। जो भी पैसे उसने कमाए थे ये सारे पैसे उसे दे देती है। वेरोनिका को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और इस काम के लिए अब वो पूरी तरीके से रेडी थी। उसकी ब्यूटी की वजह से उसके बहुत सारे क्लाइंट्स होने लग जाते हैं। सब लोग उसके लिए दीवाने थे। एक दिन मार्को वेरोनिका से कहता है, तुम इतने नीचे क्यों गिर रही हो? वेरोनिका कहती कि तुम जेलस हो, तुम आज मुझे पा नहीं सकते। मार्को ने कहा कि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, क्यों ना हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। वेरोनिका भी उसके पास आई, कहा कि तुम मुझे पा नहीं सकते, इसमें बहुत मजा है। वो उसे इरिटेट कर वहां से चली जाती है। आज वो मार्को के अंकल के पास आई हुई थी।
वो पैरालाइज्ड है पर फिर भी उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है। अगले दिन वेरोनिका के घर पर मार्को एक मोर भेजता है। उसने एक लेटर भेजा था जिसमें लिखा था हर एक बेस कोर्टिजान के पास एक मोर होता ही है। ये उसने देखा तभी मार्को नीचे आया हुआ था। वेरोनिका आज उसे फिर से इग्नोर कर देती है। वेरोनिका एक बहुत ही अच्छी पोएट है तो उसे फिर से एक पार्टी में बुलाया गया था। मार्को का फ्रेंड उसे बात करता है, कहता है तुम अलग अलग आदमियों से मिलती हो, इस वजह से तुम्हें बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव मिलता होगा, क्यों ना हम दोनों भी इंटीमेट हो जाए। वेरोनिका कहती कि तुम भी एक पोएट हो, हम दोनों सिर्फ सर्वेंट हैं, हम एक दूसरे को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसने उसे रिस्पेक्टफुली डिनाई कर दिया पर इस बात से वो हर्ट हो गया था। यहाँ पर वेरोनिका और मार्को फिर से बात करते हैं। मार्को कहता है तुम्हारी ब्यूटी बहुत ही क्रूअल है, जो लोग इसे पा नहीं पाते इनके लिए बहुत ही क्रूअल बन जाती है। वेरोनिका कहती कि इसमें ही तो मजा है, अगर तुम मुझे पा सकते तो तुम मुझसे बोर हो जाते। मार्को ने कहा कि मैंने जो भी किया आज तक मुझे इसका पछतावा है, मैं कभी भी तुमसे बोर नहीं हो सकता। वेरोनिका ये सब सुनकर वहां से चली गई। अगले दिन मार्को के फादर उससे बात करते हैं। उन्होंने उसके लिए एक बहुत ही बड़ा रिश्ता लाया हुआ था, इस वजह से मार्को को एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। वेरोनिका एक क्लाइंट के साथ थी पर मार्को बहुत ज्यादा पी लेता है और वेरोनिका के पास आता है। उसने अपनी शादी के बारे में उसे बता दिया। वेरोनिका कहती है कि आई होप कि तुम्हें इस शादी से बहुत फायदा हो। इसके बाद मार्को की शादी हो गई और हम डायरेक्टली हस्बैंड वाइफ को एक साथ देखते हैं। मार्को अपनी वाइफ से पूछता है तुम अपनी लाइफ से चाहती क्या हो। उसकी वाइफ ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हूँ। उसने भी जबरदस्ती शादी की हुई थी तो इस वजह से उसे कोई भी डिजायर्स नहीं थे। ये बात मार्को को अच्छी नहीं लगती। वो वेरोनिका से प्यार करता है क्योंकि वेरोनिका में एक पर्सनैलिटी है, वो रीड करती है, पोएट्री करती है। एक दिन फिर से पार्टी चल रही थी, वहां पर मार्को का फ्रेंड पोएट्री करने के लिए आया हुआ था। वेरोनिका की वजह से वो हर्ट है, इस वजह से उसे बहुत ही बुरी चीजें बोलता है। इन दोनों ने फिर तलवार उठा ली, एक दूसरे से वो पोएट्री और तलवार से फाइट करते हैं। ये फाइट बढ़ती चली गई, मार्को का फ्रेंड वेरोनिका को मार ही डालता पर उसके पहले मार्को ने उसे बचा लिया। मार्को फिर उसे देखने के लिए उसके घर पर आता है। ये दोनों आज इंटीमेट हो गए। मार्को का फ्रेंड बर्बाद होकर स्ट्रीट्स में पड़ा हुआ था। उसके पास चर्च का एक आदमी आया, वो कहता है तुम अपने पाथ से पूरी तरीके से भटक चुके हो, तुम्हारी डिजायर ने तुम्हें बंदी बना लिया है, हम तुम्हें अच्छा वे दिखा सकते हैं। मार्को के फ्रेंड ने चर्च को ज्वाइन कर लिया। इंटीमेट होने के बाद मार्को वेरोनिका से कहता है अब तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, उसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। वेरोनिका कहती कि मेरा प्रोफेशन है, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगी। मार्को उसे सब कुछ देने के लिए रेडी था पर वेरोनिका उसे मना करती है क्योंकि फिर उसे मार्को पर जिंदा रहना पड़ेगा, अगर उसका इंटरेस्ट चला गया तो वेरोनिका के पास कुछ भी नहीं होगा। वेरोनिका ने कहा कि अगर तुम मुझे सचमुच में इतना चाहते तो मैं तुम्हारी वाइफ होती, अब तुम तुम्हारी वाइफ के पास जाओ। एक रात एक सुल्तान ने वेनिस पर हमला कर दिया था। वेनिस के पास बहुत ही कम शिप्स थे, इन्हें सुल्तान के अगेंस्ट वॉर पर जाने पड़ने वाला था। मार्को रियलाइज करता है कि शायद वो वेरोनिका से फिर मिल ना पाएगा, इस वजह से उसके पास गया। वो उसे कहता है मुझे तुमसे कहने का कोई भी हक नहीं पर फिर भी मैं सिर्फ तुम्हें अपने लिए चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी शेयर नहीं कर सकता, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा ट्रस्ट अर्न करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। वेरोनिका कहती है कि मैं कोर्टिजान हूँ। मार्को ने कहा कि अब से नहीं, तुम अब से एक पोएट हो। वेरोनिका भी उसके साथ जाने के लिए मान गई थी। ये मदर देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, कहती है ये बहुत ही बड़ी गलती तुम कर रही हो, तुम्हें कोर्टिजान का बहुत ही अच्छा टैलेंट है, ये तुम वेस्ट कर दोगी। पर वेरोनिका इस बात को नहीं मानती। मार्को और वेरोनिका फिर अलग अलग प्लेसेस पर गए, एक दूसरे के साथ अपना टाइम बहुत ही ब्यूटीफुली स्पेंड करते हैं। अगर वेनिस को बचाना है तो उन्हें पेरिस की एम्परर की जरूरत है, वो अपनी शिप उन्हें दे सकता है, इससे वो वॉर जीत सकते हैं। तो ये एम्परर वेनिस में आने वाला था, इसके लिए मार्को को भी बुलाया जाता है। एम्परर यहाँ पर पहुंच गया, उसने कहा वेनिस की कोर्टिजांस बहुत ही फेमस है, मुझे सारी दिखाओ। इन सब कोर्टिजांस में उसने वेरोनिका को चूज किया। वेरोनिका ये काम नहीं करती थी पर पेरिस को बचाने के लिए ये करने के लिए वो रेडी हो जाती है। रात में वो किंग के पास पहुंची, किंग के बहुत ही अलग सेक्सुअल डिजायर्स थे, वेरोनिका उसे भी प्लीज करती है। किंग इससे खुश हो गया और वेनिस की मदद करने के लिए अब वो रेडी था। इस सारी बातों से मार्को अपसेट हो गया था। वेरोनिका कहती है तुम अपनी वाइफ के साथ हर रोज सोते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, उसी तरीके से मेरी भी ये ड्यूटी थी। मार्को बहुत ही हर्ट था और इसके बाद वो वॉर के लिए चला गया। जो भी लोग वेरोनिका के पास एज ए क्लाइंट आते उन सारों की वाइफ ने उसे बुला लिया। वो पूछती कि हमारे हस्बैंड कैसे, क्या वो जिंदा है। वेरोनिका ने सबको बताया पर एक्चुअल में इन्हें पूछना था कि उनके हस्बैंड को इस तरीके से प्लीज कैसे कर पाती है।
वेरोनिका उन्हें सिखाने की कोशिश करती है, पर इस पर मार्को की वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उन दोनों की फाइट होने लग गई थी, पर वेरोनिका की फ्रेंड ने वेरोनिका की साइड ली। वेरोनिका को घर छोड़ते वक्त फ्रेंड ने कहा, जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं चाहती हूँ वो भी तुम्हारी तरह कोर्टिजान बने, तुम उसे ट्रेन करना। वेरोनिका कहती है, गलत है। फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारे पास जो फ्रीडम है यह हमें नहीं मिल पाता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी भी शादी करेगी, उसे भी बच्चे होंगे, उसकी लाइफ एक केज की तरह बन जाएगी। वेरोनिका कहती है, पर मेरी लाइफ भी एक केज की तरह ही है। पर उसकी फ्रेंड मानती नहीं। 16th century में वेनिस में एक प्लेग आया था, यही प्लेग फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है। इस प्लेग की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। चर्च के लोगों को लगता था कि आजकल जो भी सब चल रहा है इसी वजह से गॉड उन पर नाराज है। सारी कोर्टिजांस को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, चर्च के लोगों ने पूरी सिटी को कंट्रोल में कर लिया और सारी कोर्टिजान को भी अरेस्ट कर लिया था। मार्को जब वॉर से वापस आया तो क्या चल रहा है इसके बारे में पता चलने के बाद वो डायरेक्टली वेरोनिका के पास पहुंचता है। वेरोनिका अब भी सेफ थी, उसके पास आकर उसे गले लगा लेता है। उसने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। इस प्लेग की वजह से वेरोनिका की मदर की भी डेथ हो जाती है। मदर ने वेरोनिका को जो भी बनने के लिए कहा था इस वजह से उसे सॉरी कहती है। वेरोनिका को भी चर्च के लोग अरेस्ट कर लेते हैं। मार्को अपने किंग के साथ मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर चर्च एक किंग से ज्यादा पावरफुल हो चुका था तो कुछ भी कर भी नहीं सकते। वेरोनिका पर केस चला जाता है कि उसने अपने सारे क्लाइंट्स को अपने वश में कर लिया था। उसे बताया गया कि अगर तुमने अपने सीन्स को मान लिया तो हम तुम्हें जाने देंगे। वेरोनिका जो काम करती है इस वजह से वो प्राउड थी तो कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं थी। यहाँ कोर्ट में हम मार्को के फ्रेंड को भी देखते हैं जिसने कोर्ट को ज्वाइन किया था। वेरोनिका के खिलाफ वही सारी बातें बोल रहा था। मार्को ने कहा कि मेरा फ्रेंड वेरोनिका को पा नहीं पाया, इस वजह से इसका वो बदला ले रहा है। मार्को का फ्रेंड कहता है, इसने मुझे भी वश में कर लिया था, इसी वजह से सारी चीजें मैंने की थी। वेरोनिका से पूछा जाता है कि तुमने ये सब किया क्यों। वेरोनिका ने कहा कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, मैं शादी कर नहीं सकती थी, अलग काम करना मुझे अलाउड नहीं था। आज के दिन का कोर्ट ही खत्म कर दे। रात में मार्को वेरोनिका से मिलने के लिए आया। वो कहता है, अगर तुम पीछे नहीं हटी तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, प्लीज वो लोग जो भी कह रहे हैं इस बात को कन्फेस कर दो। वेरोनिका ने कहा कि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया है, अगर मुझ पर जो भी इल्जाम लगे इसे मैंने मान लिया तो मेरी सोल मेरे पास नहीं रहेगी। अगले दिन वेरोनिका कन्फेस करती है कि मेरी मदर की वजह से मैंने ये सब स्टार्ट किया था, पर फिर मुझे ये सब अच्छा लगने लग गया। मैंने बाकी लेडीज के कंपैरिजन में एक अलग लाइफस्टाइल चुनी जो मुझे अच्छी लगी। मैं किसी आदमी की गुलाम नहीं बनना चाहती थी। जिस तरीके से आप प्रेयर करते हो उसी तरीके से मेरा काम ही मेरे लिए प्रेयर है। अगर मैं फिर भी कल्प्रिट हूँ तो आप मुझे सजा दे सकते हो। उसे सजा होने वाली थी पर मार्को कोर्ट में उठ गया। उसने कहा कि अगर एक गुनहगार है तो मैंने भी उसकी हेल्प की थी। इस सिटी में सिर्फ मैं ही उससे प्यार करता हूँ ऐसा नहीं है, हम में से बहुत लोग उसे किसी ना किसी वे से प्यार करते हैं। मार्को ने उसे सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहा। वेरोनिका को बचाने के लिए कोर्ट में उसके सारे क्लाइंट्स खड़े हो गए। इन क्लाइंट में चर्च में का एक आदमी भी था। मार्को उसके बारे में बता देता, उसके पहले उसने कहा वेरोनिका ने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है, हमें रिकंसिडर करना चाहिए। मार्को ने वेरोनिका को बचा लिया था, उसे कोई भी सजा नहीं हुई। मार्को और वेरोनिका एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी मोमेंट पर ये मूवी एंड हो जाती है। एंड क्रेडिट में हमें बताया जाता है कि कोर्टिजान का एज बाद में खत्म हो गया। वेनिस की वॉर में जो भी लोग जख्मी थे उन्हें हेल्प करने के लिए वेरोनिका ने अपना घर दे दिया था। वो और मार्को हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।